कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। गैस इस तरह की जंगल नेम वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और काफ़ी लोग अपने नाम का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिलियन व्यूज लेकर आ रहा है। सो गैस अगर आप भी अपनी इस तरह की रील को एडिट करना चाहते हैं बिल्कुल कुछ ही देरों में, तो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक कोई पार्ट स्किप मत करना। तो इस करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना कुछ देर के। सो सबसे पहले आप लोगों को गूगल को ओपन कर लेना है, एंड ओपन होने के बाद में सर्च करना है आपको अर्बन जंगल फॉन्ट। तो आपको सर्च करना है अर्बन जंगल फॉन्ट, ठीक है। इतना सर्च करना है, जो पहली फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है उस पर आपको टैप करना है, ठीक है। वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है, कुछ इस तरीके का वेबसाइट का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपको ये साइट में जो इंटरफेस दिख रहा है, ये डाउनलोड का ऑप्शन, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ से डाउनलोड कर लेना है अपने फॉन्ट को, ठीक है। और ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, तो यहाँ से अपनी फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आपको, जो फाइल मैनेजर होता है जिसमें सारी वीडियोस होती हैं आप लोग गैलरी। एंड इतना करने आपने डायरेक्ट आपकी गैलरी से ओपन हो जाएगा, और आपको एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से एक्सट्रैक्ट पर ऑप्शन वाले पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ से तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। पिक्सल ऐप में, अगर आपके पास पिक्सल ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें पिक्सल ऐप, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है इसका। तो यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया पिक्सल लैब को। एंड इतना करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। और जो भी आपका नेम है वो नेम लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राजू, तो मैंने इतना लिख दिया। एंड ओके पर क्लिक कर दे, ठीक है। एंड फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे आप। एंड इतना करने के बाद में आप लोगों को इस ए वाले ऑप्शन, ए बना हुआ जो है, इस पर क्लिक करना है। और आगे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, जहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है ये ए बी फॉन्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है आप लोगों को। एंड माय फॉन्ट जो लिखा हुआ है बीच में, इस पर टैप करना है। उसके बाद में अगर जब आप मेरा जो है ये नीचे अर्बन लिखा हुआ है अर्बन जंगल, क्योंकि मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, लेकिन आप गैलरी से इसको कैसे अपने यहाँ पर ला सकते हैं सामने, क्योंकि मेरा तो अभी इस समय है। तो आप लोगों को फाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है प्लस बना हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और जिसमें आपने डाउनलोड किया तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सामने आएगा अर्बन जंगल, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है एंड ऐड डिक्शनरी पर क्लिक कर देंगे। जब आप ऐड डिक्शनरी पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट भी वहीं दिखने लगेगा। तो मेरा पहले से है, ठीक है, तो मैं यहाँ से रहने देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है इतना काम करने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ से मेरा काम हो गया। एंड उसके बाद में मैं अर्बन जंगल पर क्लिक कर दिया मैंने टेक्स्ट पर, ओके कर दिया, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल जंगल वाला टेक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप कोई भी नाम अपना एडिट कर सकते हैं इस तरीके से। एंड उसके बाद में आपको उसका बैकग्राउंड जो है पीछे का ट्रांसपेरेंट वाला बैकग्राउंड लगाना है, तो आप लोगों को ये लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड ट्रांसपेरेंट वाले क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना कर देना है, ठीक है। एंड इसको आपको एक बार अपनी गैलरी में सेव कर लें, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर क्या कर लें, सेव कर लेंगे, सेव इमेज, ठीक है, सेव टू गैलरी, जब आपकी गैलरी में सेव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में आपको फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है। और जो भी मैंने जो बैकग्राउंड है जिस पर जंगल वाले, ठीक है, उन जंगल वाले बैकग्राउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया, और जो मैंने अभी PNG अपने डाउनलोड करा था अभी गैलरी में अपने, उस PNG को हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे बीच वाले ऑप्शन पर और इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद में जो हमारा टेक्स्ट था वो आ चुका है, ठीक है, ठीक है। आप इस तरीके से कुछ अपना एडिट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है गाइस। एंड इतना करने के बाद में आप लोगों को ऊपर सेव वाले बटन पर सेव इमेज कर लेना है, ठीक है। तो हमारी गैलरी में ये सेव हो चुका है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इस तरह की रील एडिटिंग से वीडियो लाता रहेगा।